हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टैनफर्डिस में आपका स्वागत है। आज से मैं कुछ नया करने वाला हूँ, कुछ नया ऐड करने वाला हूँ अपनी लर्निंग मेथोडोलॉजी में। और ये ऐड करने वाला हूँ अपने फ्रेंड अब्दुल के रिक्वेस्ट पे, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूट चलाता है और उसे ज़रूरत थी एक ऐसे टीचर की जो उनके बच्चों को इंग्लिश पढ़ा सके। बट मैंने सोचा कि किसी स्पेसिफिक सेशंस को लेने से बेटर है क्यों ना मैं एक वीडियो लेक्चर्स बनाऊँ, एक नहीं कई वीडियो लेक्चर्स बनाऊँ लेसन वाइज, और मैं लेसन वाइज लेक्चर्स बना करके वीडियो को यूट्यूब पर डालूं, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस बुक को पढ़ रहे हैं और इस लेसन से थ्रू मतलब गो थ्रू होते हैं, उन सबको इसका बेनिफिट मिले, उन सबको इसकी समझ हो जाए। सो इसी कड़ी में सबसे पहला लेसन आज स्टार्ट कर रहा हूँ, लेसन नंबर 1, जिसका नाम है अनदर चांस। इस लेसन में बहुत ही खास दो क्वेश्चंस को डील होने वाला है, जैसे कि व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आर मिस्टेक्स, व्हाट शुड वी डू टू चेंज आर फेलियर इनटू सक्सेस। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आर मिस्टेक्स, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी गलतियों को सुधार हो सके, सुधारा जा सके। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड वी डू टू चेंज आर फेलियर इनटू सक्सेस, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी जो नाकामी है, जो हमारी हार है, वो जीत बदल जाए, वो कामयाबी में बदल जाए। ठीक है, तो इसी कड़ी में एक राइटर हैं, और उस राइटर ने जिनका नाम है हेलेन स्टेनर राइस, इन्होंने लिखा है इस क्वेश्चन, इस पोएम को, जो कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बेनिफिशियल है, मुझे तो अच्छा लगा। आपको देखते हैं कितना समझ में आता है और कितना अच्छा लगता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लाइन से पढ़ना और मैं समझाऊंगा वन बाय वन। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, हम कितनी दफ़ा एक नए चांस और दूसरे चांस की इच्छा जाहिर करते हैं, चाह रखते हैं, ताकि हम एक नई स्टार्ट कर सकें फिर से दोबारा से। मतलब कि एग्ज़ाम का टाइम आ गया, सारी क्लासेस ओवर हो चुकी हैं, हमने कुछ सीखा ही नहीं, उस समय ख्याल आता है यार काश एक और मौका मिल गया होता, एक और मौका तो मैं मतलब पेपर में फाड़ के आ जाता, ऐसा कुछ ख्याल आता है, ऐसी कुछ चाह आती है दिमाग में। तो ऐसा आप कितनी बार सोचते हो, कितनी दफ़ा ज़िंदगी में काफ़ी मौके आते हैं, काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं, काफ़ी चांसेस आते हैं, जहाँ पे ऐसा फील आता है, ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए था यार। ठीक है, अगली लाइन्स को समझते हैं। अ चांस टू ब्लोट आउट आवर मिस्टेक्स एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, एक ऐसा मौका मिल जाए कि हम अपनी सारी गलतियों को, मिस्टेक्स को एकदम दाग धब्बों के साथ मिटा दें, एकदम ख़त्म कर दें, और अपनी जो नाकामी है, जो फेलियर है, हम उसको विनिंग मतलब जीत में बदल दें। मुझे उम्मीद है ये समझ आया होगा पहला स्टैंजा, अगली स्टैंजा पे चलते हैं। इट डज नॉट टेक ए न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। एक्चुअली में पोएम को ऐसे पढ़ते हैं, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, ये कोई एक नया दिन नहीं लेता, इसलिए कोई अजूबा दिन या नया दिन पैदा नहीं करते हैं कि हमें एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के लिए। हमें कोई नया दिन या कोई चमत्कारी दिन, कोई मिरेकल वाला दिन नहीं चाहिए एक अच्छी स्टार्ट के लिए, एकदम नए नए ताज़ातरीन स्टार्ट के लिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो हमें चाहिए क्या आखिर। तो अगले दो लाइन में इसका आंसर है कि आखिर हमें एक कामयाब अच्छे स्टार्ट के लिए चाहिए क्या, समझो अब इसको। इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट, इसको चाहिए सिर्फ एक डीप डिज़ायर, गहरी मतलब गहरी चाह, डिज़ायर गहरी चाह होनी चाहिए, और हम कोशिश करें टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट, हम कोशिश करें अपने पूरे दिल से मतलब स्टार्ट कोशिश करें। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। टू लिव अ लिटिल बेटर एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग, हमें टू लिव अ लिटिल बेटर थोड़ा बेहतर रहने के लिए, एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग, और हमेशा माफ़ करने वाला, क्षमा वाला इंसान, मतलब सबको माफ़ कर दे, इतना काइंड हार्टेड होना चाहिए। एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन,
ताकि हम क्या कर सके, थोड़ी सी सूरज की चमक रोशनी को ऐड कर सकें, भर सकें। कहाँ? टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, उस दुनिया में जहाँ हम रह रहे हैं, ठीक है, हम उस दुनिया में एक चमक भर सकते हैं, थोड़ा और ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब हम माफ़ करना सीखेंगे, ठीक है, और माफ़ करने वाला कभी छोटा नहीं होता है, हमेशा याद रखना। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू। कभी भी निराश होकर किसी चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए बीच में अधूरा, कभी भी निराश होकर नहीं छोड़ना चाहिए। एंड थिंक यू आर थ्रू, आप सोचो कि आप एक माध्यम हो, एक जरिया हो, आप कामयाब नहीं कर सके, आप कामयाबी नहीं हासिल कर सके, बट एटलीस्ट आप जरिया बने इस नई सोच को लेकर, आप जरिया बने। बहुत से लोगों ने आज़ादी की लड़ाई को स्टार्ट किया, क्या सबने आज़ाद करा है? नहीं, लेकिन वो जरिया बने एक स्टार्ट करने को। उन्होंने स्टार्ट किया चीज़ों को, खुदीराम बोस और बहुत सारे नेता जो स्टार्टिंग में आए, फांसी भी लग गए, शहीद हुए, उन्होंने क्या किया? उनको मतलब कामयाबी नहीं मिली, पर वो एक जरिया बने। उन्होंने ही तो स्टार्ट किया कि आगे जाके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने कामयाबी हासिल की। अगर उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया होता तो ये एंड कहाँ से करते? कोई तो स्टार्ट करेगा तभी तो कोई एंड करेगा। फॉर देस ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप फॉर स्टार्टिंग अ न्यू। देखो, हमेशा एक कल है। कभी भी ये मत सोचो कि बस जिंदगी ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया। बहुत से लोग सोचते हैं ऐसा, कभी प्यार में फेल हो गया, कभी ऐसा सोचते हैं कि अरे मैं तो एग्ज़ाम में फेल हो गया, ख़त्म हो गई ज़िंदगी, बस हो गया। ऐसा नहीं सोचना है। देयर ऑलवेज अ टुमारो, थर्ड लाइन कह रहा है कि हमेशा एक कल है, कल है, आने वाला कल आपसे बेहतर होगा, अब हो सकता है, ये हम पे डिपेंड करता है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, और एक आशा, एक उम्मीद होनी चाहिए कि हम कुछ एक नया स्टार्ट करेंगे, पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएंगे, कुछ नया करेंगे और बेहतर करेंगे। चलिए थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, लिसन एंड रिपीट। मैं बोलूँगा, आप रिपीट करोगे, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी, आपका वर्ड स्टॉक अच्छा होगा, क्योंकि मैं मीनिंग्स भी बताने वाला हूँ, ठीक है, मैं मीनिंग्स ही बताने वाला हूँ साथ साथ। तो सबसे पहला है बिगनिंग, शुरुआत, स्टार्ट, इसका भी मीनिंग शुरू करना होता है। बेटर, बेहतर, डीप, गहरा, विनिंग, जीतता हुआ, हार्ट, दिल, लेटर, पता ना, चिट्ठी, कीप, रख लो, पैसे रख लो, रख लो, रखना, फॉरगिविंग, माफ़ कर दिया, माफ़ करना, पार्ट, हिस्सा, फेदर, रुकावट, जो रुकावट आती है, बीप, हॉर्न जो होता है, हॉर्न, गाड़ियों के हॉर्न बजते हुए देखा कभी, बीप, बीप। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया, थोड़ा नीचे, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है, रीड द पोम एंड राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। आपको इनको पढ़ो एक बार, आपके पास बुक होगी, आपको इनको पढ़ो, पढ़ने के बाद आप इसके अपोजिट बताओ, जैसे कि गुड का बैड, अच्छा का बुरा, सक्सेस का फेलियर, स्टेल, स्टेल मीन्स बासी खाना, बासी खाना खाएगा भी, बासी पुराना, तो स्टेल का फ्रेश, होप, होप मीन्स आशा, आशा, आशा का होगा हमारा ये, एक मिनट पोएम सही देख लो आप, आशा, होप, होप का ये रहा, देखो यहाँ, डिस्पेयर, ये वाला वर्ड, ये अपोजिट है होप का, ठीक है, कहाँ गया, एंड का स्टार्ट, एंड का क्या होगा, स्टार्ट, शैलो, शैलो का मतलब मूर्ख भी होता है, तो और इसका कम भी होता है, तो शैलो का मतलब हो जाएगा अपोजिट, अगर हम जाएं तो इसका एक अपोजिट हो सकता है क्लेवर, दूसरा हो सकता है फुलफिल्ड, तो आप इसका मुझे बताओगे, ठीक है। बी का ओ एफ टी ई एन, यहाँ पे ई आएगा, ग्लोच, विश, फॉरगिव,
मिस्टेक, बहुत सारे में आई आ गया ना, चलो देखो बहुत सारे में आई ही आ गया, चलो तीसरा देखते हैं क्या ये कह रहा राइम करने के लिए। ठीक है, शाइन वाइन थ्रो फ्लो स्टार्ट ब्लास्ट, कुछ ज़्यादा हो गया, ब्लास्ट बिगनिंग एंडिंग। अब जो आगे क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को मैं समझा दे रहा हूँ, आंसर आपको करना है और करके जब आओगे आप जूम डिस्कशन के दौरान तो मुझे आपसे आंसर सुनने हैं। ये जो ए पार्ट है आपका होमवर्क है, ठीक है। सबसे पहला समझो, व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, हमें दूसरा मौका क्यों चाहिए, पोएम में समझाया है, समझ में आया होगा तो आंसर कर दोगे, नहीं समझ में आया दोबारा रिपीट करके दोबारा से देख लो वीडियो को, ऑनलाइन लेक्चर की यही बेनिफिट है, एक बार में समझ में नहीं आता है दो बार देखो तीन बार देखो, आपके हाथ में मौका है। ऑफलाइन क्लास तो चल नहीं रही कि एक बार सर ने समझा दिया बात खत्म हो गई, समझ में आया तो भी वाह वाह, ना समझ में आया तब भी वाह वाह, पर ऑनलाइन में यही बेनिफिट है, आपको नहीं समझ में आया अब बैक जाओ फिर से देखो। बी, व्हाट डज इट टेक्स टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, आखिर क्या चाहिए एक नया स्टार्ट बनने करने के लिए, नई शुरुआत के लिए क्या चाहिए, मैंने ऊपर बताया था डीप डिज़ायर वाला। सी, व्हाट डज द पोएट मीन बाय एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड, पोएट का क्या मतलब है इस लिटिल सनशाइन, जो थोड़ी सी चमक रोशनी दुनिया में डालने से क्या मतलब है, क्या मुराद है पोएट का, कभी क्या कहना चाहता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये Why should we never give up in despair? हमें निराश होकर क्यों नहीं छोड़ना चाहिए चीज़ों को। What should we hope for our future? हमें अपने भविष्य के लिए क्या आशा रखनी चाहिए, क्या सोचना चाहिए। ठीक है, अब बी पार्ट जो है वो मैच द फॉलोइंग है, हो सकता है आपको प्रॉब्लम आएगी इसलिए वो मैं खुद ही बता देता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहला वाला है अ चांस टू ब्लोच, इसका सही आंसर है अ चांस टू ब्लोच आवर मिस्टेक्स, ये पहले वाले का आंसर हो गया। दूसरा वाला, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, समझ में आ रहा है। अब तीसरा वाला है To add a little sunshine, to add a little sunshine, ये आंसर हो जाएगा। So never give up in despair, ये वाला मैचिंग हो जाएगा। अगला है तो सॉरी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये पैसेज आपको पढ़ना है, ये एक कहानी है दो कौवों की जो आपको पढ़ना है और समझाना है मुझे जूम डिस्कशन में। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में पूछो, ये क्वेश्चन आंसर भी कर लेना आप। ठीक है, मैंने ये बेसिकली इस लेसन में पोएम था, जो पोएम मैंने डील कर दिया है समझा दिया है, आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ, नहीं समझ में आया है कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछो मैं आंसर करूँगा, और ज़्यादा डाउट है टेंशन मत लो आपके लिए मैं डिस्कशन करूँगा 3 बजे, आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो और जो भी डाउट्स है वो पूछो। और दूसरी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करोगे तभी आपको हर चैनल आपके मोबाइल फ़ोन पे सबसे पहले मिलेगा, नोटिफिकेशंस मिलेंगी। दूसरी बात, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर करके हम दूसरों का भला कर सकते हैं और हमें काइंड हार्टेड होना चाहिए, सबका भला सोचना चाहिए। आपको समझ में आ गया, बाकियों को भी समझ में आएगा तो इससे एक दूसरे का भला होगा। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए सॉरी इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।